हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं लास्ट फाइनेंस क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूं, तो फुल रिव्यू देने जा रहा हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। अगर इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, मेलाज स्किन क्रीम है ये। इसने दावा किया कि त्वचा के गहरे निशान को भी मिटाए और रंग निखारने में भी मदद करती है। तो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट ज़रूर है, किस तरह से आपको यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट ना हो। अगर आपकी स्किन इसका यूज़ कर रहे हो तो स्किन लाल हो रही है तो इससे कैसे बचें, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री है, रेड बटन पे, उसके साथ ही बेल आइकन घंटे को दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और ये वीडियो लाइक फटाफट से लाइक कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो, अन्यथा डिसलाइक कीजिए ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो मेलाज क्रीम में ये दोस्तों हाइड्रो किससे मिलकर बनाई गई है तो आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन है, ट्रिटोनोन है, मोनोराइज, ये इन पदार्थों से तत्वों से मिलकर बनाई गई है जो कि हानिकारक सूर्य की हानिकारक किरणें हैं और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही खतरनाक होती हैं। जिससे कि हाइड्रोक्विनोन है जो आपकी स्किन को बहुत ही मुलायम बना देती है, पतला बना देती है, जिससे आप सूर्य की किरणों से बच के रहना, किस तरह से आपको ये यूज़ करनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रीम का डेमी यूज़ करें तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसका डेमी इस साइड इफ़ेक्ट है। पहले आपके जो गहरे निशान हैं, खड्डे हैं और किल मुहासे हैं वो और भी बढ़ जाएंगे और कालापन है तो और भी गहरा कालापन हो जाएगा। तो आपको एक्ने, पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उसके लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम है दोस्तों। आपको नाइट में यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, डेमी क्या करना है आपको। अगर इस क्रीम का यूज़ करें तो नाइट में यूज़ कीजिए। बेस्ट फेयरनेस फेस वाश से आपको आपकी स्किन को साफ करना है, फेस वाश का यूज़ करना है। उसके बाद में हल्के सूती कपड़े से आपकी स्किन को साफ करना है। साफ करने के बाद में मामूली बहुत ही कम मात्रा में आपकी स्किन के ऊपर एक बार ही यूज़ करना है मेलाज क्रीम। उसके बाद में आपको सो जाना है। ठीक है दोस्तों, सुबह उठते ही आपको वापस गुनगुने ठंडे पानी से आपकी स्किन को साफ करना है। साफ करने के बाद में वापस फेस वाश का यूज़ कीजिए, उसके बाद में गुलाब जल का यूज़ कीजिए और उसके बाद में आपको सनस्क्रीन का यूज़ बिल्कुल भी करना है। अगर इसको गर्मियों में इस क्रीम का यूज़ कर रहे हो, सर्दियों में कोई भी ज़रूरत नहीं है, गर्मियों में बिल्कुल भी इस सनस्क्रीन क्रीम का यूज़ करना है। कौन सी सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है वो मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए, तो तभी कह रहा हूँ। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करिए, वो भी बिल्कुल फ्री है और साथ ही इस बेल आइकन घंटे को दबाएगी जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और दोस्तों, इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से जाकर इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लगभग ये 90 रुपये की मिल जाएगी। अगर मेडिकल स्टोर पर लाते हो तो उससे अधिक प्राइस लगेगी और लिंक से मंगवाते हो तो आपके कम प्राइस, कम रेट में आपके घर पे पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। अगर कोई इस प्रोडक्ट को मंगाने में कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसी के मैं एक वीडियो बना दूँगा जिससे आप प्रोडक्ट घर पे मंगवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस क्रीम का लगभग 15 दिन तक ही इसका यूज़ करना है, उसके बाद में गोरापन दिखा देगी। उसके बाद में एक या दो दिन या तीन दिन इस तरह से बीच में गैप देकर आपको इस क्रीम का बंद करना है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको जो इस क्रीम लगाने में कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।